अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बाइक का जो एक मैं वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ था वो काफ़ी होल्ड ऑन है, कह लें कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बाइक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाऊं। तो आज मैंने कुछ बाइक में चेंजेस करवाए थे, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँ कि अभी तक किस तरह का है। मुझे एक दो दिन हुए हैं ये थोड़े से चेंजेस मैंने किए हैं, तो उसके अंदर जो मैंने सबसे एक बड़ा चेंज किया जो कि मुझे ज़रूरत थी जिसकी, वो था मेरी बाइक में जो एक रेयर टायर है वो मैं गया था और मैंने उसका रेयर टायर टिम्सन एक कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, उसका मैंने चेंज करवाया था। उसकी वीडियो भी अभी आ जाएगी और उसके बारे में मैं डिटेल में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से उन्होंने चेंज किया, कितने का हुआ, और अभी प्राइस भी उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा जो चीज़ मैंने यहाँ पर करवाई है वो ये सेफगार्ड्स हैं, लीवर और हाथ को थोड़ा सा सेफ़ रखते हैं, और उसके अलावा ये मैंने लगवाया, ये बच्चा जब बैठता है तो वो इसको पकड़ लेता है, थोड़ा सा इस चीज़ की कमी मुझे GT 110 में फ़ील होती थी तो मैंने ये थोड़ा सा चेंज करवाया। उसके अलावा मैंने कुछ एक दो लाइट्स लगाई हैं और इन लाइट्स से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। इनकी जो मैंने छोटी लाइट्स लगवाई हैं ये चुन्नी मुन्नी सी लाइट्स हैं, लेकिन मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं चाह रहा था वही मुझे मिली है। एक तो लाइट्स होती हैं जो कि आप रात को जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अगले बंदे को तंग करती हैं, तो वो चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने लगवाई है वो है ये बैग, एक टेल बॉक्स आप कह सकते हैं, इसके अंदर तकरीबन 30 से 35 लीटर का एक स्पेस होती है। उसके अलावा ये मैंने टायर लगवाया, ये टिम्सन कंपनी का एक अच्छा टायर है और मुझे थोड़ा सा ऑफ रोड ऑन रोड रहना पड़ता है तो मैंने थोड़ा सा इसको करवा लिया। अगला टायर मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करवाया, वो वही है पैंथर का ही। मुझे लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत फील हुई है कि मुझे अगला टायर चेंज करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हम इसको चेक करते हैं कि निकालता है तो ठीक है, वरना मैं इसको चेंज करवाऊँगा। ये वो लाइट्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, और ये कह लें कि रात को एक अगले बंदे को ज़्यादा हर्ट नहीं करती, अगले एक हाई बीम पैदा नहीं करती, एक फोकस लाइट है जो कि सामने इस तरह से एक पट्टी बना देती है, मैं वो भी आपको डेमो दिखा दूँगा अभी। तो ये दो मैंने लाइट्स लगवाई हैं, इनकी जो एक वर्थ है वो तकरीबन 2000 से लेकर 3000 के बीच में आपको एक कोई भी किसी भी जगह से मिल जाएगी। ये लीवर गार्ड और हैंड गार्ड भी आप इसको कह सकते हैं, ये एलुमिनियम में और काफ़ी सॉलिड है, इनकी जो वर्थ है वो तकरीबन 3000 से लेकर आपको 3500 तक मिल जाता है। और इसके अलावा ये जो बैग है, ये जो जिसे आप टेल बॉक्स कहते हैं, और मैं इसको तकरीबन मैंने इसको लगवाया है कोई 6 से 7000 के बीच में, ठीक है। ये मैंने कुछ चेंजेस करवाए थे तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर आपको अभी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे साथ ज़रूर आप डिस्कस करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि जो टायर मैंने डलवाया है टिम्सन का, उसके बाद मुझे जो चेंजेस भी कोई फ़ील आई हैं बाइक के अंदर या नहीं, तो मुझे जो फ़ील हुआ है चेंज वो तकरीबन 70% मुझे बाइक के अंदर कंफर्ट कह सकते हैं या आप ग्रिप बाइक का कह सकते हैं वो मुझे फ़ील हुआ है। पहले अक्सर ये होता था कि मैं अगर बाइक को काफ़ी ज़्यादा मनूवर करते हुए टर्न कर रहा हूँ तो मुझे लगता था कि बाइक स्लिप हो रहा है, और अक्सर बाइक होता भी था, और एक कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी लूज़ हो जाता है क्योंकि बाइक का थोड़ा सा वेट है और जो टायर है वो काफ़ी पतला टायर है, तो मुझे काफ़ी वो फील होता था कि बाइक जैसे गिरने लगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो इसके बाद क्योंकि इसकी जो साइडें हैं वो भी मोटी हैं और टायर भी एक अच्छा ग्रिप उसकी काफ़ी अच्छी है, ऑफ रोड के लिए भी ऑन रोड के लिए भी, तो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी देता है बाइक। तो मेरा ये मशवरा है कि आप इसको ज़रूर चेंज करवाएं, जिसके पास भी GT 110 है वो ज़रूर इसको चेंज करवाए। अगर आपने टिम्सन का नहीं डलवाना, इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने आपको पहले बताया 6 से 7 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है, 6 से 7 या 7 से 8 के अंदर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो आपको ये 6 से 7 हज़ार का मिल जाता है, और अभी आप अगर आप जाते हैं तो आपको तकरीबन 7 से 8 हज़ार के बीच में ये वाला टायर मिल जाएगा। उसके अलावा भी टायर हैं, वो कुछ महंगे भी हैं, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा था तो मैंने ये करवा लिया है। बाकी जो चीज़ें मैंने लगवाई हैं उसके अंदर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। अगर कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, और अगर आपका कोई भी स्पेशली क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, इंशाल्लाह वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। और मुझे जो इस बाइक में टायर चेंज का आइडिया दिया था वो मुबशर भाई हैं, मोबी खान भी उनका नाम है और मैं उनको मोबी खान के नाम से जानता हूँ, और वो इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने मुझे स्पेशली इस टायर का मशवरा दिया था और मैं स्पेशली उनको ही थैंक करना चाहता हूँ, और अगर उनका भी चैनल है, एक बाइक चैनल है, वो टूर शूर करते रहते हैं,
और मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनके काम से। उनका भी नीचे लिंक है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा उनके लिंक को भी।